हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल अगेन एट माय चैनल इंग्लिश एक्सपो विद विशाल। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यूज सेशन रिगार्डिंग न्यूज़पेपर। क्लियर? तो आज हमारे पहला वीडियो है न्यूज़पेपर से रिलेटेड। हम आगे आने वाली वीडियोस में भी न्यूज़पेपर के जो एडिटोरियल्स होते हैं उनका डिस्कशन करेंगे, है ना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ आपको कि वाई शुड वी रीड न्यूज़पेपर, हमको न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना चाहिए एंड व्हाई इट इज़ नेसेसरी फॉर अस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ क्वाइट एंड क्लियर है ना, कि न्यूज़पेपर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वेदर वी आर डजेंट मैटर मीन्स कि हम किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे हम स्टडी कर रहे हों, अकेडमिक्स में हों, या फिर हम कोई जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हों, न्यूज़पेपर हमारे लिए मस्ट है, उसको पढ़ना ज़रूरी है। तो क्यों ज़रूरी है ना। तो उसके लिए मैं आपको कई सारी चीज़ें मैं बता दूं। तो पहला तो हमारा जो जीए होता है, जनरल अवेयरनेस, जो करंट अफेयर्स है, जो हमारे आसपास क्या हो रहा है, उन सब की हमें जानकारी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हमको अवेयर करके रखती हैं कि चारों तरफ क्या चल रहा है, और ये जानना ज़रूरी है। तो हम उसी हिसाब से हम अपनी प्लानिंग करते हैं, उसी हिसाब से हम अपनी चीज़ें सेट करते हैं कि आगे हमें क्या करना है, जो करंट की सिचुएशन है उसको ध्यान में रखे करते हैं। तो न्यूज़पेपर पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, पहला रीज़न हुआ, पहला जो हमारा कारण है वो क्या, जी है ना, करंट अफेयर है। हम उसकी जीके की भी बात करें, जनरल नॉलेज भी हमारे इससे बढ़ता है कि भाई वर्ल्ड वर्ल्ड में क्या हो रहा है, हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है ना, कि इस वर्ल्ड की करेंसी क्या है, ये जो सॉरी इस कंट्री की करेंसी क्या है, और ये किस कॉन्टिनेंट में आता है, इन सब की जानकारी हमें मिलती रहती है। प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है ना, इन सब की हमें जानकारी मिलती रहती है। क्यों? क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट है जिस जो हमारा मेन पर्पज़ है ना, वो क्या है, वो हमारा है कि कॉम्प्रहेंशन को समझना। मतलब कि हम अगर कोई इंग्लिश में एग्ज़ाम दे रहे हैं, लाइक आप सीजीएल दे रहे हो, बैंक दे रहे हो, है ना, या एसएससी के और भी एग्ज़ाम्स हैं उनको दे रहे हो, या फिर आप लाइक टीचर बनने की सोच रहे हो, टीटी देना है या जो भी आपको देना है, तो इन सब में कॉम्प्रहेंशन पूछा जाता है ना, एसे राइटिंग पूछा जाता है। आप एक ये सब सारे काम कब कर पाओगे, तब कर पाओगे जब आपने न्यूज़पेपर पढ़ के रखा हुआ है, आपके पास अच्छा अच्छा कंटेंट है, तभी आप अच्छे से लिख पाओगे। सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, हमारे ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर इम्प्रूव होगी, मैं आपको साथ साथ में बताऊँगा, वोकेबलरी हमारी इम्प्रूव होगी, है ना, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉम्प्रहेंशन, जो इंग्लिश जो आप किसी भी एग्ज़ाम में दोगे तो आता है, जो पैरा सॉल्व करने के लिए आता है, पैसेज आता है सॉल्व करने के लिए, वो हम इनडायरेक्टली सीख पाएंगे कि कैसे हम सॉल्व करते हैं, या स्पॉटिंग एरर आता है तो हम उसको कैसे करेंगे, है ना। तो हम न्यूज़पेपर में बहुत सारा, मीन्स एज ऑलवेज वी आर गोइंग टू डिस्कस, मीन्स अलॉट टू डिस्कस, अलॉट टू नो, है ना, बहुत सारा हम डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीज़ें जानेंगे, है ना। तो साथ साथ में बता दूँ आपको, तो बेसिकली जो आज का हमारा जो टॉपिक है, मीन्स जो डिस्कशन का टॉपिक है, वो क्या है कि आप देख पा रहे हो, है ना, लिखा हुआ है कि फूलिंग, जो आज एडिटोरियल हमारा है, ये द हिंदू का नहीं है, मीन्स इंडियन एक्सप्रेस का है ना। तो इजी से स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है रहेगा, डिस्कस करेंगे, जो एडिटोरियल हमारा है वो क्या है, फूलिंग ऑल द पीपल ऑल द टाइम, है ना, ये है इसका टाइटल है, मेन हेडलाइन है ना। और इसको किसने लिखा हुआ है, कि इनसे पी चिदम्बरम साहब ने लिखा हुआ है, क्लियर। और आपको पता है कि पी चिदम्बरम कौन है, यानी कांग्रेस के बड़े अच्छे लीडर माने जाते हैं, ये फॉर्मर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और मीन्स गृह मंत्री भी रह चुके हैं, है ना। तो इन्होंने कई सारे पद संभाले हुए हैं। तो बेसिकली ये जो हमारा टॉपिक है, ये जो हमारा एडिटोरियल है, किससे रिलेटेड है, हम उसको डिस्कस करने के लिए जान लें कि जो हम अभी हाल ही में गवर्नमेंट की जो फार्मर्स हैं उनसे रिलेटेड बिल लेकर आई है, उससे रिलेटेड है। तो हम उसके पहले जान लेते हैं कि वो बिल हैं कौन कौन से। तो हमारे वो तीन बिल लेकर आई गवर्नमेंट, है ना, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, ब्रैकेट में लिखा हुआ है प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020, है ना। सेकेंड हमारा जो बिल है, फार्मर्स एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020, एंड द थर्ड वन एसेंशियल कमोडिटीज बिल 2020। मतलब ये तीन बिल लेकर आई है गवर्नमेंट, है ना, उसी के परिप्रेक्ष्य में, उसी के परिदृश्य में ये हमारे लिखे जो
एडिटोरियल आज का जो हम डिस्कस करेंगे ये हमारा उसी से रिलेटेड है, उसी को ध्यान में रख के लिखा गया है ना। तो उसके क्या मेरिट्स हैं, डिमेरिट्स हैं, ये सब चिदम्बरम साहब ने बताई हैं, है ना। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का है, मैं फिर से बता दूँ टॉपिक क्या है, जो आज का हेडलाइन क्या है, फूलिंग द पीपल ऑल द टाइम। मतलब फूलिंग द पीपल, फूलिंग ऑल द पीपल, मतलब सभी को मूर्ख बनाना, क्या ऑल द टाइम, हर समय, है ना। ये इसका जो हेडलाइन है ये है। अब पढ़ेंगे आगे तो अच्छे से पता चलेगा कि किसके अंदर चिदम्बरम साहब ने क्या लिखा हुआ है ना। काफ़ी अच्छे मीन्स इनके एडिटोरियल माने जाते हैं, और ये बहुत बड़े जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इनको जानकारी है ना। तो हालांकि ये कांग्रेस के हैं, तो जो भी लिखेंगे देखते हैं क्या लिखा उन्होंने। तो स्टार्ट करते हैं। तो उन्होंने लिखने से पहले, जो मेन एडिटोरियल है उससे जाने से पहले, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस रेज किए हैं, है ना। हम उन पर चलते हैं पहले। तो क्वेश्चंस क्या हैं, देखो उन्होंने लिख के रखा हुआ है कि, चलिए स्टार्ट करें। ओके, द एग्रीकल्चर मिनिस्टर टोल्ड पार्लियामेंट दैट द न्यू लॉज हैव एब्सोल्युटली नथिंग टू डू विद MSP। मतलब द एग्रीकल्चर मिनिस्टर टोल्ड पार्लियामेंट, है ना, दैट द न्यू लॉज हैव एब्सोल्युटली नथिंग टू डू विद। क्लियर? तो ये नथिंग टू डू विद है ना, ये आप पढ़ चुके हो, अगर आपने वॉइस में पढ़ा हुआ है तो आपको पढ़ाया गया था कि टू डू विद का यूज़ कैसे किया जाता है, जिसका मतलब होता है लेना देना। तो और एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, है ना, जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो कौन है, ये आपके नरेंद्र सिंह तोमर हैं। तो पहला चीज़ तो आपको ये पता चल गया भाई एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, है ना, नरेंद्र सिंह तोमर है। तो इन्होंने क्या बोला हुआ है, इन्होंने बोला है कि द एग्रीकल्चर मिनिस्टर टोल्ड पार्लियामेंट, की एग्रीकल्चर जो मिनिस्टर है उन्होंने क्या बताया कि मीन्स पार्लियामेंट को बताया हुआ है दैट द न्यू लॉज हैव एब्सोल्युटली नथिंग टू डू विद MSP। MSP क्या था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, है ना, जो न्यूनतम समर्थित मूल्य होता है। मतलब अभी होता क्या है, मैं बता दूं, ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, मान लो कि फार्मर्स हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, गन्ने की खेती कर रहे हैं, गेहूं की खेती कर रहे हैं, ना धान की खेती कर रहे हैं, अगर ये कोई खरीदता नहीं है तो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, अगर किसी ने नहीं खरीदा, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उस पर खरीद लेगी, है ना। और हाल ही में गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है कि MSP को बढ़ाया हुआ है ना। तो पहली लाइन यहाँ जो फुल स्टॉप तक, मतलब क्या निकला कि जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उन्होंने पार्लियामेंट को बताया हुआ है कि जो ये बिल लेकर आ रहे हैं, तीन बिल लेकर आ रहे हैं, इनका किसी से, इनका संबंध किसी से नहीं है, MSP से नहीं है, ऐसा उन्होंने बोला है, है ना। दैट इज़ लिटरली ट्रू, है ना, लिटरली ट्रू, मतलब ये जो साहब हैं चिदम्बरम साहब, वो क्या कह रहे हैं, दैट इज़ लिटरली ट्रू, है ना। मैंने आपको पता है अच्छे से कि हर शब्द के, हर चीज़ के दो मतलब होते हैं, एक लिटरल होता है ना, और एक लिटररी होता है। तो लिटरल या लिटरली जो आपका होता है वो शाब्दिक, तो उन्होंने क्या बोला कि दैट इज़ लिटरली ट्रू, मतलब जो शाब्दिक रूप से ही सही है। अब ऐसा क्या है, देखते हैं कि येट ही सेड दैट गवर्नमेंट विल गारंटी MSP टू द फार्मर्स। मतलब कि पहली वाली लाइन में एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने पार्लियामेंट को बताया हुआ है कि जो बिल लेकर आ रहे हैं इसका MSP से कोई मतलब नहीं है, और फिर भी उन्होंने कहा हुआ है कि ही सेड दैट गवर्नमेंट विल गारंटी, गवर्नमेंट वादा करती है, गारंटी दिलाती है कि मीन्स ही सेड दैट गवर्नमेंट विल गारंटी MSP टू द फार्मर्स। तो जो किसान है उनको MSP की गारंटी देती है। तो दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही, विरोधाभास हो रही। पहले वाली जो पहली लाइन है ये वाली, है ना, यहाँ तक इसमें उन्होंने कहा, ये चिदम्बर साहब बता रहे हैं कि एग्रीकल्चर जो मिनिस्टर है उन्होंने बोला कि पार्लियामेंट को उन्होंने बताया कि इन बिल का मतलब नहीं है किन से, MSP से। और अगले ही स्टेटमेंट में उन्होंने क्या बोला कि गवर्नमेंट जो है वो वादा करती है, भरोसा दिलाती है किसका, कि वो MSP को गारंटी करती है ना। अब उन्होंने क्या बोला, इट वॉज़ अ बिज़ार प्रॉमिस। और एक कैसा प्रॉमिस था, ये जो वादा था, जो गारंटी दिलाई, जो वादा किए, कैसा वादा था, बिज़ार। अब बिज़ार क्या होता है ना, बिज़ार का मतलब होता है विचित्र, विचित्र टाइप का, मतलब कि बड़ा ही स्ट्रेंज,
एक तरफ आप वादा करें दूसरी तरफ उसी का उसी से मतलब नहीं है, तो ये क्या, इट वॉज़ अ बिज़ार प्रॉमिस। मतलब कैसा प्रॉमिस था, विचित्र था, है ना। हाउ विल गवर्नमेंट नो, गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि विच कौन सा फार्मर है ना सोल्ड वॉट प्रोड्यूस टू। अच्छा ये जो प्रोड्यूस आपका है ये नाउन भी होता है, क्या होता है नाउन, है ना, तो प्रोड्यूस का मतलब प्रोडक्शन। तो उन्होंने क्या बोला कि हाउ विल गवर्नमेंट नो, गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि कौन से फार्मर ने है ना कौन सा प्रोडक्शन मतलब जो उत्पाद टू सोल्ड व्हाट प्रोड्यूस टू विच परचेजर। मतलब कि गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि किस फार्मर ने किस किसान ने है ना कौन से उत्पाद को कि किस जो खरीदार को बेचा, परचेजर मतलब खरीदार को बेचा, ये क्वेश्चन उन्होंने रेस किया है। इफ द इंटेंशन का मतलब नियति है ना वॉज टू मेक MSP मैंडेटरी इन एवरी प्राइवेट ट्रांजेक्शन, कॉमा लगा हुआ है कि अगर उनकी नियति थी क्या MSP को मैंडेटरी आवश्यक बनाना है ना किसके लिए, एवरी प्राइवेट ट्रांजेक्शन जो भी हम प्राइवेट ट्रांजेक्शन के लिए, तो कॉमा लगा भाई, तो वाई डिड द बिल नॉट कंटेन अ क्लॉज। मतलब तो ये जो बिल लेकर आए हैं ये वाई डिड द बिल्स, तीन बिल है ना, तो नॉट कंटेन उनमें नहीं है एक क्लॉज, कोई क्लॉज नहीं है कि दैट द प्राइस पेड की जो प्राइस दिया जाएगा टू द फार्मर बाय द परचेजर, परचेजर्स जो खरीदेगा फार्मर का जो सामान खरीदेगा शैल नॉट बी लेस देन नोटिफाइड MSP। अब इसका पूरे का मतलब समझो कि अगर उनका जो सरकार की नीयत जो है ना कि वो MSP को मैंडेटरी करना है हर एक प्राइवेट ट्रांजेक्शन में, तो जो तीन बिल लेकर आए गए हैं इन सब में है ना ये जो मैंडेट प्राइस पेड है ना, जो प्राइस दिया जाएगा ये MSP से जो रिलेटेड है, MSP जो प्राइस मिनिमम समर्थित मूल्य जो दिया जाएगा ये मेंशन क्यों नहीं है, इससे रिलेटेड कोई क्लॉज उसमें क्यों नहीं है, ऐसा उन्होंने बोला है ना। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो ये जो बेसिकली है ना आप देखते हैं कि इन्होंने कुछ डेटा दिया हुआ है, डेटा को देखते हैं उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि जो बेसिकली आई फाउंड द फॉलोइंग डेटा है ना, इनको जो डेटा मिले हैं कुछ डेटा मिले समवॉट कुछ समवॉट आउटडेटेड, मतलब कुछ हद तक है ना कि कुछ हद तक आउटडेटेड हो चुके हैं कि मतलब पुराने हैं, फ्रॉम द नेशनल सैम्पल सर्वे है ना। ये आपका इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है कि सबके डेटा को रिलीज़ करता है ना, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको आप याद रखिएगा, गूगल पर सर्च करिएगा तो आपको अच्छे से जानकारी मिलेगी है ना। तो उन्होंने कौन सा डेटा है, परसेंटेज ऑफ फार्मर्स सेलिंग टू वेरियस एजेंसी, जो परसेंटेज ऑफ फार्मर्स है ना सेलिंग टू वेरियस एजेंसी, मतलब जो फार्मर्स हैं किसान हैं वो जो बेचते हैं किस किस एजेंसी को बेचते हैं उससे रिलेटेड ये डेटा दिया हुआ है, आप उसको पढ़िएगा तो अच्छे से पता चलेगा है ना। चलते हैं मेन टॉपिक पर, देखो क्या है, देखो इन्होंने लिख रखा हुआ है कि ये हमारा नॉट विद स्टैंडिंग, नॉट विद स्टैंडिंग पहला ही वर्ड है आपका, तो नॉट विद स्टैंडिंग का आपका क्या मतलब होता है, इन स्पाइट ऑफ, बावजूद है ना, बावजूद इसके कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक आपकी कमेटी है, एक्ट्स है ना कमिटीज एक्ट्स ऑफ वेरियस स्टेट्स ऑपरेटिंग फॉर अ फ्यू डिकेड्स, मतलब कि बावजूद इसके कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज़ हैं वो क्या कर रही हैं, एक्ट जो हैं वो वेरियस स्टेट की जो मतलब कई सारे राज्यों की वो कर क्या करी ऑपरेटिंग चला रही हैं फॉर अ फ्यू डिकेड्स, कई दशकों से, मोस्ट फार्मर्स सोल्ड देयर प्रोड्यूस, जो प्रोडक्शन उनका होता है टू किसको बेचते, लोकल प्राइवेट ट्रेडर्स को बेचते हैं, मतलब कि बावजूद इसके कि जो हमारे जो फार्मर्स हैं वो ज़्यादातर हमारा क्या करते हैं जो प्रोडक्शन होता है किसको, लोकल जो प्राइवेट ट्रेडर्स हैं उनको बेचते हैं है ना, ऐसा उन्होंने कहा। इन द केस ऑफ पैडी, मतलब पैडी के केस में, वीट के केस में नियरली 60% ऑफ द फार्मर्स फेल इन दिस कैटेगरी, मतलब कि इन्होंने कहने का जो किसान हैं वो लोकल ट्रेडर्स को बेचते हैं
इससे रिलेटेड जो जानकारी है, इन द केसेस ऑफ पैडी एंड व्हीट, है ना, जो धान और गेहूं के जो केस है उसमें क्या 60% फार्मर्स फेल इन दिस कैटेगरीज। फॉल का सेकेंड फॉर्म है फेल, मतलब फेल का मतलब आना, है ना, इसके अंदर पड़ दिस कैटेगरी, इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। मतलब कहने का क्या है कि जो लोकल ट्रेडर्स को बेचते हैं इसमें सबसे लगभग 60% से ज़्यादा फार्मर आते हैं, है ना। ऑफिशियल मतलब कि अगर आप देखें ऑफिशियल जो डेटा है ना शो। अब अच्छा मेरा क्वेश्चन आपसे जो ग्रामर से रिलेटेड है, जो डेटा लिखा हुआ है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है ना। तो अगर आपको टेंस अच्छे से आते हैं तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि जो शो होता है ये वर्ब की, है ना, शो का मतलब दिखाना होता है। अगर ये सिंगुलर होता तो शो के साथ एस लगता, तो ऑब्वियसली डेटा क्या है, प्लूरल है, डेटा का सिंगुलर डेटम होता है ना। तो ये हो गया हमारा ऑफिशियल डेटा शो दैट ओनली 1.2 करोड़ पैडी फार्मर्स कब 2019-20 में एंड 43.35 लाख वीट फार्मर्स इन 2021 अवेल्ड ऑफ एमएसपी। मतलब इनका कहने का मतलब क्या है कि जो ऑफिशियल डेटा वो दिखाता है कि 2019-20 में एक 1.2 करोड़ जो धान के किसान हैं, है ना, और 43.35 लाख वीट फार्मर्स अवेल्ड ऑफ एमएसपी, मतलब उनको एमएसपी उपलब्ध कराया गया, इतने लोगों को ही एमएसपी दिया गया था, है ना। आगे चलते हैं, एपीएमसी वही आपका हो गया, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। मतलब जो एपीएमसी है इसके मेरिट्स क्या हैं, इसके गुड क्या हैं और दोष क्या हैं वो डिस्कस करने वाले, है ना। तो चलिए डिस्कस करते हैं। द रीज़न आर ऑब्वियस, मतलब जो कारण हैं वो भाई क्लियर हैं, अच्छे से सबको पता है कि 85% ऑफ द फार्मर्स हैव स्मॉल होल्डिंग्स लेस देन 1 हेक्टेयर। मतलब कि जो हमारे 85% जो फार्मर्स हैं, है ना, उनके पास जो स्मॉल होल्डिंग्स का मतलब उनके पास जो ज़मीन है वो क्या है कि लेस देन 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर से भी कम है, है ना, एंड हैव लिटिल, क्या लिटिल देखते हैं, है ना, लिटिल सरप्लस, है ना। सरप्लस का क्या मतलब, आवश्यक जितनी हमारी आवश्यकता है उससे ज़्यादा, है ना। सरप्लस का मतलब क्या होता है कि जितनी आपको आवश्यकता है उससे ज़्यादा टू सेल। मतलब कि इन्होंने क्या बोला कि पहले वाले में कि जो फार्मर्स हैं, है ना, जो हमारे फार्मर्स हैं वो उसमें से जो हमारे देख रहे हो कि उन्होंने क्या बोला कि 85% हैं उनके पास जो ज़मीन है ना वो 1 हेक्टेयर से भी कम है, और उनके पास जो सरप्लस होता है आवश्यकता से अधिक जो होता है वो बेचने का जो काम होता है। भाई पहले तो आप किसके लिए प्रोडक्शन करते हो, अपने लिए करते हो, जितना एक्स्ट्रा बचता आप उतना बेचते हो, तो जो उनके पास जो एक्स्ट्रा है जो सरप्लस है वो टू सेल, है ना, कि वो काफ़ी कम है। डिस्टेंट एपीएमसी मार्केट, मतलब जो ये जो मार्केट्स हैं बहुत दूर हैं बनाए गए, मार्केट यार्ड्स मतलब जो मंडियाँ हैं वो बहुत दूर हैं, है ना। आगे देखो, जो आपके डिस्टेंट एपीएमसी मार्केट यार्ड्स आर नॉट एन इकोनॉमिकली वायबल ऑप्शन। मतलब कि पहली चीज़ तो किसानों के पास ज़मीन कम है, दूसरा जो एपीएमसी मार्केट यार्ड्स हैं ये अगर आर्थिक रूप से देखे जाएँ तो वायबल, मतलब कि संतुलित रूप से अच्छे नहीं हैं, ऑप्शन नहीं है, अच्छे ऑप्शन नहीं माने जा सकते। क्यों? क्योंकि भाई किसी के पास पैसा है, किसी के पास नहीं है मंडी तक जाने का, क्यों दूर पड़ते हैं, है ना। अब क्या क्या परेशानियाँ आती हैं कि अगर मार्केट मंडी तक पहुँचाने में, द कॉस्ट ऑफ बैगेजिंग, मतलब उनको पैक करना, लोडिंग लोड करना चढ़ाना, फिर ट्रांसपोर्टिंग उनको लेके जाना, ठीक है, फिर उनको मंडी जाओगे भाई तो आपको इतने सारे तो प्रोसेस करने पड़ेंगे ना, फिर आपको अनलोड करना, एंड द फ्यू बैग्स ऑफ ग्रेन, और कुछ ही द फ्यू बैग्स मतलब जितने हैं, है ना, कम ही हैं ग्रेन है, उनको आप क्या करो, पहले उनको पैक करो, फिर लोड करो, फिर उनको ट्रांसपोर्ट करो, फिर वहाँ पर अनलोड करो जाके कुछ ही बैग, एंड वेटिंग एट द एपीएमसी, है ना, और वो जो मार्केट है वहाँ जाके आप, मंडी है वहाँ वेट करो, है ना, और फिर आप अगला क्या है, पेइंग द फीस, और वहाँ आप टैक्स दोगे जाके, एंड कलेक्टिंग प्राइस इन 2 डेज,
है ना, ये सब सारे जितने जो प्रोसेस आर बियॉन्ड से परे हैं मीन्स ऑफ स्मॉल फार्मर्स। मतलब स्मॉल फार्मर्स क्यों बोला, क्योंकि उनके पास एक हेक्टेयर से भी 85% जो फार्मर्स हैं उनके पास एक हेक्टेयर से भी ज़मीन कम है, तो उसके लिए पहली बात तो सरप्लस नहीं होता है, आवश्यकता से अधिक उसके पास प्रोडक्शन नहीं होता है, और प्रोडक्शन होता भी है तो वो लेकर इतने सारे सामान पैकिंग करेगा, फिर ट्रांसपोर्ट करेगा, लेके जाए, वहाँ वेट करे, है ना, फिर टैक्स पे करे, इतना सब उसके बस की बात नहीं है, वो इतना सारा नहीं कर सकता है ना। फिर आगे अ लोकल ट्रेडर इज डिपेंडेबल, है ना, कि अ लोकल जो आपका हमारा लोकल ट्रेडर होता है ना, लोकल ट्रेडर आप देख पा रहे हैं, है ना, कि द लोकल ट्रेडर इज़ अ डिपेंडेबल पार्टनर टू बाय द प्रोड्यूस एट द फार्म गेट एंड पे एट वंस, है ना, इवन इफ द प्राइस इज लोअर देन द MSP। मतलब भाई ज़्यादातर इंडिया में यही होता है, क्या होता है, फार्मर ने प्रोडक्शन किया है ना, अब उसको लेकर कौन जाए, दूर है मार्केट, है ना, तो मंडी दूर है, तो वो क्या करता है कि उसके यहाँ जो ख़रीदने के लिए आता है वह उसी को बेच देता है। तो भाई जो द लोकल ट्रेडर है ना, ये क्या है, डिपेंडेबल पार्टनर, वो डिपेंडेबल पार्टनर होते हैं ना, कि उनके हिसाब से मैनेज कर लेते हैं बाय द प्रोड्यूस, जो प्रोडक्शन हुआ उसको ख़रीदने के लिए, द फार्म गेट मतलब किसानों के घर ही जाकर खरीद लेते हैं, एंड पे एट वंस, एक ही बार में पैसा दे देते हैं, है ना, इवन इफ द प्राइस इज लोअर देन द MSP। मतलब अगर जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उससे कम भी होगा तो भी वो देते हैं। भाई क्या करें भाई, सिंपल है, उसके पास इतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं है, वो मार्केट ले नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास साधन नहीं है, है ना, तो जो डिपेंड जो यहाँ लोकल जो ट्रेडर होते हैं वही आते हैं वहाँ पे, ख़रीद लिए, एक ही बार में पैसा दे दिए, अब वो चाहे कम हो MSP से, ज़्यादा हो, इसे मतलब नहीं है, है ना, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये सब इतना सारा झंझट नहीं कर सकते। तो कहने का सीधा मतलब है, ये जो बिल लेकर आए हैं ये अच्छे नहीं इनके हिसाब से, पी चिदम्बरम साहब के हिसाब से, है ना, ऐसा वो मानते हैं। अब आगे देखते हैं, APMC मार्केट यार्ड्स आर हाउएवर इम्पोर्टेंट प्लेयर्स इन द स्टेट्स लाइक पंजाब एंड हरियाणा वेयर द मार्केट सरप्लस इज ह्यूज, है ना। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो APMC मार्केट हैं, है ना, कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज़ मार्केट जो हैं, ये जो मंडीज़ हैं, जो मंडी हैं ना, ये जो हैं ये हावेवर हालांकि इम्पोर्टेंट प्लेयर्स, मतलब ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, प्लेयर्स हैं, की फैक्टर हैं, स्टेट्स कहाँ पर, स्टेट्स मतलब किन राज्यों में, पंजाब में और हरियाणा में, है ना, वेयर जहाँ द मार्केटेबल सरप्लस इज ह्यूज, मतलब कि जो दो स्टेट है हरियाणा और पंजाब है, यहाँ पर धान और गेहूँ बहुत ज़्यादा होता है, तो भाई यहाँ पर ये जो काम अच्छे से कर सकते, APMC जो मार्केट है, जो मंडी है, ये काम कर सकते हैं, अच्छे से काम कर सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो यहाँ पर ये फायदे कर सकते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट क्या कर रही है, तीन बिल जो बिल्स लेकर आए, इसमें क्या हो रहा है कि अभी तक ये होता था कि कोई भी किसान, अब जो किसान एक है वो अपनी मंडी में ही बेचेगा, लेकिन अब क्या हो रहा है, आप किसी भी मंडी में ले जाकर बेच सकते हो, ये फ़ायदा इसका है, है ना, इसी का ये सब लोग विरोध कर रहे हैं। तो आगे देखो, ऑफ द टू स्टेट्स, जो ऊपर दो स्टेट मेंशन किए गए हरियाणा और पंजाब, प्रोडक्शन ऑफ पैडी एंड वेट, जो प्रोडक्शन ऑफ पैडी जो धान है और जो गेहूं है ना, 70% इज प्रोक्योर्ड बाय द गवर्नमेंट, इसमें से जो गवर्नमेंट एजेंसीज, मतलब इन दो राज्यों में जो प्रोडक्शन होता है धान और गेहूँ का, ये किसके द्वारा ले लिया जाता है, प्रोक्योर प्राप्त कर लिया जाता है, प्रोक्योर का मतलब प्राप्त कर लिया जाता है किसके, गवर्नमेंट एजेंसीज़ के द्वारा, गवर्नमेंट जो एजेंसीज हैं, है ना, समितियां उनके द्वारा, है ना, यहाँ पर ले लेते हैं। इन अदर स्टेट्स, जो बाकी के राज्य हैं, इट हैज़ बीन आर्ग्यूड बाई सम स्कॉलर्स दैट, है ना, ये आपका पैसिव वॉइस में इट हैज़ बीन आर्ग्यूड, है ना, जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट है ना, उसी फिर आपको क्या किया गया उसको, जो हैज़ बीन आर्ग्यूड, तो इट हैज़ बीन आर्ग्यूड बाई सम स्कॉलर्स दैट, कि मतलब ये कुछ जो स्कॉलर्स हैं इनके द्वारा आर्ग्यू किया गया है कि सम जो दैट मार्केट यार्ड्स आर इनएडिक्वेट इन नंबर एंड, मतलब जो मार्केट यार्ड्स हैं, मतलब जो मंडियां हैं, वो संख्या में इनएडिक्वेट है, मतलब एडिक्वेट का मतलब, एडिक्वेट का मतलब पर्याप्त, इनएडिक्वेट का मतलब ये जो इन आपका प्रिफिक्स है ना, जो जिसका मतलब नेगेटिव प्रिफिक्स है, तो इनएडिक्वेट का मतलब अपर्याप्त है, पर्याप्त तो नहीं है इन नंबर एंड टू डिस्टेंट फॉर द फार्मर्स, मतलब कहने का क्या है कि अदर स्टेट्स में जो कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि जो मंडियाँ बहुत कम हैं और हैं भी तो बहुत दूर हैं, है ना, ये फॉर
एग्जाम्पल इन तमिलनाडु वेर आर देर आर 283 मार्केट यार्ड्स इन 36 डिस्ट्रिक्ट्स, मतलब तमिलनाडु में 36 जो जिले हैं उनमें से कितने 283 आपके मार्केट यार्ड्स हैं, मतलब मंडियां हैं, है ना। एंड एवरेज 8 पर डिस्ट्रिक्ट, मतलब अगर हर औसतन देखें तो हर डिस्ट्रिक्ट में 8 हैं, है ना। एंड टोटल टर्नओवर इन 2019-20 वाज जस्ट 129.76 करोड़, मतलब इतना टोटल हुआ था, टर्नओवर था, है ना। एंड देर आर 326 मार्केट यार्ड्स इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में सब मंडियाँ कितनी 326 हैं। एंड ऑन एवरेज द फार्मर्स मस्ट ट्रेवल 25 किलोमीटर्स। अब देखो ये दिक्कत हो रही, मतलब मंडियाँ जो हैं, मतलब जो क्या कर रही है कि जैसे जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इसने क्या किया कि आप किसी भी मंडी में ले जाकर बेच सकते हो, है ना। तो ये इसकी चिदम्बरम साहब इनकी कमियाँ बता रहे हैं। कमियाँ क्या बता रहे हैं कि भाई कैसे लेकर जाएगा, एक तो इतना दूर है ना, तो कैसे लेकर जाएगा, मतलब एवरेज अगर मान के चले तो 25 किलोमीटर उसको चलना पड़ेगा, और 25 किलोमीटर आप हाथ में तो नहीं लेके जाएगा, उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा भाई, ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, ये सारे सिस्टम होने चाहिए, है ना। तो वही वो बताना चाह रहे हैं। आगे देखते हैं कि अनडाउटेडली, मतलब इस पर कोई संदेह नहीं है कि द APMC है जो आपके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज एक्ट है, रिस्ट्रिक्ट रोकता है किसको, फ्री ट्रेड, मतलब मनमानी करने से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन प्रोड्यूस में, मतलब जो APMC है ये क्या करेगा, ये बातें एक्सेप्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो APMC एक्ट है ये रिस्ट्रिक्ट करता है, रोकता है फ्री ट्रेड को मनमानी करने से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में, बट मार्केट यार्ड्स सर्व एज सेफ्टी नेट्स, मतलब कि जो बट द मार्केट यार्ड्स सर्व एज सेफ्टी नेट्स, मतलब जो मार्केट यार्ड हैं वो क्या करते हैं, सेफ्टी नेट्स को सेफ्टी नेट्स की तरह काम करते हैं, है ना। आगे देखते हैं इन हरियाणा, इन पंजाब एंड हरियाणा द फीस कलेक्टेड एंड द मार्केट यार्ड्स कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द स्टेट्स रेवेन्यूज विच आर अप्लाई टू द डेवलपमेंट एग्रीकल्चर कल्चरल एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इन पंजाब एंड हरियाणा में जो फीस कलेक्टेड एट द मार्केट यार्ड्स, मतलब जो मार्केट यार्ड्स में फीस कलेक्ट की जाती है, जो टैक्स लिया जाता है ना, उसको क्या करते हैं कि कंट्रीब्यूट, वो योगदान देती है किसमें, सिग्निफिकेंटली महत्वपूर्ण रूप से टू द स्टेट्स रेवेन्यू, जो राज्य का राजस्व है उसमें, विच आर अप्लाइड टू डेवलप, ठीक है, जो जिनका प्रयोग किया जाता है किसमें, डेवलप एग्रीकल्चरल एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो एग्रीकल्चरल है, जो कृषि से संबंधित है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनमें लगाया जाता है ना। आगे अगर बात करें कि जो मीन्स बेसिकली जो नेवरतलेस की बात करें कि आई होल्ड, मतलब कि क्या आई होल्ड, ठीक है, कहना चाहते हैं नेवरतलेस कि आई होल्ड द व्यू, मतलब इन सब के बावजूद भी कि आई होल्ड द व्यू, मैं इस बात का समर्थन करता हूँ, इसके सब पक्ष में हूँ, दैट APMC एक्ट्स मस्ट, यहाँ अब बीच में इतना छोड़ो, यहाँ से लेकर इतना, है ना, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो मार्केट तक, आई होल्ड द व्यू दैट APMC एक्ट्स ईल्ड इन फेवर ऑफ फ्री ट्रेड इनेबल्ड बाय मल्टीपल ईजली एक्सेसिबल मार्केट, मतलब आई होल्ड द व्यू दैट APMC एक्ट्स मस्ट, ठीक है, ईल्ड, मतलब जो APMC जो एक्ट्स हैं वो मस्ट ईल्ड, ईल्ड का मतलब तो रिजल्ट में आई, ठीक है, रिजल्ट में करें, ईल्ड इन फेवर ऑफ किसके, फ्री ट्रेड इनेबल्ड बाय मल्टीपल एक्सेसिबल मार्केट्स, मतलब इनका कहने का मतलब है कि जो फ्री ट्रेड को फेवर करना चाहते हैं, है ना, कि जैसा जिसका मन हो वैसा उस हिसाब से बेचे, है ना। अब मैंने क्यों बोला था कि मस्ट के बाद आप डायरेक्ट ईल्ड पर आओ, मस्ट के बाद डायरेक्ट ईल्ड पर आओ, क्योंकि ये डायरेक्ट सेंटेंस है और इन कोर्स ऑफ टाइम ये हमारा फ्रेज है, तो इसीलिए मैंने आपको फ्रेज पहले से बता के रखा हुआ है ना, इन कोर्स ऑफ टाइम, है ना, कि फ्रेज, तो ये सब जानने इसलिए ज़रूरी हैं कि आपको सीखने में काफ़ी मदद करते हैं, है ना। आगे चलते हैं, देखो कांग्रेस मैनिफेस्टो वर्सेस BJP बिल्स, मतलब जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो थे, घोषणा पत्र थे, और जो BJP के बिल हैं वो क्या, दोनों वर्सेस है, मतलब दोनों अगेंस्ट में वो बताना चाह रहे हैं कि एक तरफ कांग्रेस मैनिफेस्टो, दूसरी तरफ BJP बिल्स, है ना।
दैट इज़ वॉट, ये दैट इज़ वॉट, मतलब ये यही है, दैट इज़ वॉट मतलब यही क्या है ना, ये यही है कि द कांग्रेस मैनिफेस्टो प्रोमिस्ड इन 2019, मतलब ये वही है जो 2019 में कांग्रेस ने क्या 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 था, प्रॉमिस किया था, वादा किया था। इट प्रॉमिस टू प्रमोट फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस टू इनेबल फार्मर्स टू एक्सेस इनपुट्स टेक्नोलॉजी एंड मार्केट्स एंड टू इस्टेब्लिश फार्मर्स मार्केट्स विद एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सपोर्ट इन लार्ज विलेजेस एंड स्मॉल टाउन्स टू इनेबल द फार्मर्स टू ब्रिंग हिज हर प्रोड्यूस एंड फ्रीली मार्केट एट द सेम मार्केट द सेम, है ना, मार्केट द सेम, मतलब ये फ्री ट्रेड को सपोर्ट करते हैं। फ्री ट्रेड का मतलब क्या होता है, अपने हिसाब से बेचना भाई, जिसको जहाँ पर फिट करे फिट पड़े वो हिसाब से उसी हिसाब से बेचे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा, है ना, क्यों क्यों, क्योंकि बिल की वजह से। तो दैट इज़ वॉट द कांग्रेस मैनिफेस्टो प्रोमिस्ड इन 2009, कि यही कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में कहा गया था। इट प्रोमिस्ड, इसने क्या वादा किया, कांग्रेस ने क्या प्रोमिस किया था, प्रमोट फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज, मतलब वो क्या करेगी, जो किसान हैं, किसान जो किसान से संबंधित जो प्रोड्यूसर कंपनीज हैं उनको प्रमोट करेगा और ऑर्गेनाइजेशन को करेगा। इनेबल फार्मर्स, जो फार्मर्स को इनेबल करेगा, मीन्स स्विच करेगा टू एक्सेस इनपुट्स, मतलब वो इनपुट्स पर जा सकें, है ना, टेक्नोलॉजी मार्केट्स पे पहुंच सके, एंड इस्टेब्लिश फार्मर मार्केट्स, और जो बनाना इस्टेब्लिश फार्मर फार्मर्स मार्केट्स, मतलब जो मार्केट हैं किसके, फार्मर्स के, उनको इस्टेब्लिश करें विद एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे से वो बने हों, है ना, सपोर्ट लार्ज विलेजेस, विलेजेस को सपोर्ट करें, स्मॉल टाउन्स, है ना, छोटे छोटे जो टाउन्स हैं उनको इनेबल फार्मर्स, और इस योग्य बना दे फार्मर्स को कि ब्रिंग हिज और हर प्रोड्यूस, मतलब उसके जो प्रोडक्शन है उनको क्या करे, लेकर आए एंड फ्रीली इस हद तक लेकर आए, यहाँ तक लेकर आ सके कि प्रोड्यूस एंड फ्रीली मार्केट द सेम, है ना, कि मतलब वो अपने हिसाब से बेच सके जितना पे वो चाहता है ना, ये कहना चाहते हैं। आगे द सोल ऑफ द कांग्रेस, कांग्रेस प्रॉमिस, ठीक है, वॉज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मार्केट इन द कंट्री, मतलब जो कांग्रेस का जो मेन प्रॉमिस था वो क्या था कि वो कंट्री में क्या करेगा, थाउजेंड्स ऑफ मार्केट्स को इस्टेब्लिश करेगा, सच मार्केट्स में भी इस्टेब्लिश बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ये मार्केट की स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किए जाए, लोकल पंचायत के द्वारा किए जा सकते हैं, है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी और प्राइवेट लाइसेंस्ड ऑपरेटर के द्वारा किए जा सकते हैं, मार्केट बनाए जा सकते हैं, ऐसा उनका मानना था, है ना। दे विल बी लाइटली रेगुलेटेड, और बहुत ही हल्के लाइटली, बहुत ही ज़्यादा उनको रेगुलेट नहीं किया जाएगा, अपने हिसाब से चलाएंगे, एंड इट विल बी स्टिपुलेटेड दैट इन एवरी ट्रांजेक्शन इन द मार्केट एट प्राइस नो लेस देन MSP शैल बी पेड, मतलब उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने क्या बोला, दे विल बी लाइटली रेगुलेटेड, उनको बहुत ही ज़्यादा उन पर रेगुलेशन नहीं लगाए जाएंगे बट फिर भी रेगुलेट किया जाएगा। इट विल बी स्टिपुलेटेड, और ये स्टिपुलेट उसमें सम्मिलित रहेगा, दैट जुड़ा रहेगा, ये उसमें जोड़ा गया था कि दैट एवरी ट्रांजेक्शन, जो भी जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे इन मार्केट, इन द मार्केट, मार्केट में मार्केट अ प्राइस नॉट लेस देन MSP, है ना, मतलब जो मिनिमम समर्थित मूल्य है, ठीक है, कि उससे कम नहीं होंगे, मतलब कहने का मतलब है कि जितना भी आप बेचोगे MSP से नीचे आप नहीं बेच सकते, है ना, शैल बी पेड। द प्रपोजल टू रीपील, ठीक है, APMC एक्ट्स वुड बी नेचुरल सीक्वल टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मल्टीपल इजली एक्सेसिबल मार्केट, मतलब कहने का क्या था, प्रपोजल क्या, प्रस्ताव कैसा था कि टू रेपील, ठीक है, APMC एक्ट्स को रिपील करे, ठीक है, और वुड बी अ नेचुरल सीक्वल, मतलब नेचुरल एक क्रम में रहेंगे टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मल्टीपल, ठीक है, इजिली एक्सेसिबल मार्केट्स, मतलब मार्केट तक आसानी से पहुंचा जा सके, है ना। ऑन द कंट्ररी, अब उसके विरोधाभास में देखो भाई, विरोधाभास मतलब इसके अगेंस्ट में देखो क्या है ना, अगेंस्ट में देखते हैं। ऑन द कंट्ररी व्हाट द मोदी गवर्नमेंट हैज़ डन, मतलब मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया है, टू वीकेंड, कमज़ोर कर दिया है सेफ्टी नेट MSP को एंड डाइल्यूट, उसको पतला कर दिया, मतलब कमज़ोर कर दिया है पब्लिक प्रोक्योरमेंट, मतलब पब्लिक प्रोक्योरमेंट का मतलब तो जो गवर्नमेंट खरीदती है वो, है ना, जैसे छोटे छोटे सेंटर बनाती है ना खरीदने के लिए उनकी। फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग ऑन द स्ट्रीट बिकॉज, जो फार्मर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कहाँ पर, ऑन द स्ट्रीट्स बिकॉज दे फियर दैट, उनको डर लग रहा है, उन इस बात से डरते हैं कि
कि एमएसपी विल बी डन अवे, मतलब एमएसपी को ख़त्म कर दिया जाएगा, है ना। कहने का मतलब ये है कि इस बिल जो किसान है उस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि एमएसपी को ख़त्म कर देंगे। एमएसपी को ख़त्म कर देंगे तो नुकसान है भाई, किसी ने नहीं ख़रीदा तो फिर वो कहाँ जाएंगे, है ना। तो ये है, द स्टेट गवर्नमेंट आर वरीड, मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स आर वरीड, वो चिंतित हैं। अच्छा, आपसे मेरा क्वेश्चन, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके बाद आर लगा फिर वरीड है ना, तो वरीड क्या है, एडजेक्टिव है ना। और जो आपको पता है कि जितनी जितनी वर्ब होती है उनको कौन क्वालिफाई करता है, एडवर्ब करता है। लेकिन जो हमारी, ठीक है, सेंस ऑर्गन से जो वर्ब, जो हमारी लिंकिंग वर्ब हैं, लिंकिंग वर्ब को कौन कौन करता है, एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है ना, ध्यान रखिएगा। उन्होंने क्या बोला, स्टेट गवर्नमेंट्स आर वरीड दैट पब्लिक प्रोक्योरमेंट एंड पीडीएस, मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विल बी जोपरडाइज, मतलब वो इस बात से भी चिंतित हैं कि जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट है ना, पब्लिक प्रोक्योरमेंट एंड पीडीएस विल बी जोपरडाइज, मतलब पीडीएस से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उसको जोपरडाइज, खतरे में डाला जाएगा, है ना। वंस थ्री पिलर्स, थ्री पिलर्स कौन से, एमएसपी नंबर वन है ना, एमएसपी आपका हो गया, दूसरा आपका क्या है, ठीक है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट है ना, एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये तीन है क्या है। वंस द थ्री पिलर्स ऑफ फूड सिक्योरिटी आर अंडरमाइंड, अंडरमाइंड का मतलब उनको कमज़ोर कर देना, उनकी महत्ता को कम कर देना। द फूड सिक्योरिटी सिस्टम दैट इज़ बीइंग क्रिएटेड अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 विल कोलैप्स, मतलब कि अगर ये तीन जो हमारे पिलर्स हैं कमज़ोर हो गए, तो जो फूड सिक्योरिटी सिस्टम दैट इज़ बीइंग क्रिएटेड, ठीक है, दैट इज़ बीइंग क्रिएटेड अंडर द जो फूड सिक्योरिटी सिस्टम है जो बनाया जा रहा है, ये भी आपका पैसिव वॉइस में है ना, बीइंग क्रिएटेड अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ना, इसको आप पढ़िएगा जाके, तो वो विल कोलैप्स, मतलब ढह हो जाएगा, गिर जाएगा, है ना। द मोदी मोदी गवर्नमेंट्स लॉज डू नॉट, मोदी गवर्नमेंट्स लॉज क्या हैं, डू नॉट क्रिएट थाउजेंड्स ऑफ अल्टरनेटिव मार्केट्स, मतलब जो मोदी गवर्नमेंट के लॉज हैं वो बहुत सारे ऑप्शन नहीं दे रहे किसके, मार्केट्स के, इंस्टेड बजाय इसके कि दे विल अलाउ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, है ना, वो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को अलाउ करेंगे, है ना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को अलाउ करेंगे एंड ओपन द डोर फॉर द डोर सॉरी दे विल अलाउ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड ओपन द डोर फॉर द एंट्री ऑफ कॉरपोरेट, मतलब कॉरपोरेट के जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं वो, ठीक है, इसमें आएंगे, इवेंचुअली कार्टेल्स मतलब ग्रुप आ जाएंगे इसमें बड़े बड़े, है ना। अगेंस्ट सच पावरफुल परचेजेस, मतलब जो बड़े बड़े ख़रीदार हैं, द स्मॉल मीडियम फार्मर्स वुड नॉट हैव इक्वल बार्गेनिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग द पावर, है ना। एंड कॉन कॉन्वोल्यूटेड, कॉन्वोल्यूटेड का मतलब क्या होता है, जो बेसिकली आपके क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स्ड, बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, है ना, उनकी बात करते हैं, कठिन है जो, मतलब अगेंस्ट सच पावरफुल परचेजेस, मतलब इतने बड़े बड़े जो कॉरपोरेट्स आएंगे शामिल हो जाएंगे, इनकी एंट्री हो जाएगी, इनके सामने जो स्मॉल मीडियम फार्मर्स हैं वुड नॉट हैव इक्वल बार्गेनिंग, मतलब इनके सामने कोई टिक ही नहीं पाएंगे। एंड कॉन्ट्रैक्टिंग पावर एंड कॉन्वोल्यूटेड डिस्प्यूट, मतलब रेजोल्यूशन है ना मैकेनिज्म अंडर द न्यू लॉज विल रूइन फार्मर, मतलब कि जो जब भाई बड़े बड़े परचेजर्स आएंगे तो नियम कानून बनेंगे, और ये नियम कानून किसको बर्बाद कर देंगे, किसानों को बर्बाद कर देंगे, क्योंकि ये नियम कानून इनके हिसाब से बनेंगे, है ना। अनदर एम्प्टी प्रॉमिस, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं भाई, सरकार ने फिर से एक अनदर एम्प्टी प्रॉमिस किया हुआ है ना, वो क्या है देखते हैं। द एग्रीकल्चर मिनिस्टर टोल्ड पार्लियामेंट, ये वही लाइन है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर टोल्ड पार्लियामेंट दैट न्यू लॉज हैव एब्सोल्युटली नथिंग टू डू विद एमएसपी, मतलब जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने बताया कि जो न्यू लॉ है इसमें वो एमएसपी से उनका कोई संबंध नहीं, दैट इज़ लिटरली ट्रू, शाब्दिक रूप से सत्य, येट फिर भी ही सेड दैट गवर्नमेंट गवर्नमेंट विल गारंटी एमएसपी टू द फार्मर्स, एमएसपी जो है क्या करेगी, है ना, गवर्नमेंट एमएसपी को गारंटी दिला रही है, एमएसपी की गारंटी दिला रही है। इट वॉज अ बिजार प्रॉमिस, मतलब ये बड़ा विचित्र प्रॉमिस था, है ना, है और थोड़ी था। हाउ विल गवर्नमेंट नो, गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि किसानों ने कौन सा प्रोडक्शन किसको बेचा, है ना। इफ़ द इंटेंशन वॉज टू मेक एमएसपी मैंडेटरी, अगर एमएसपी को मैंडेटरी करना था तो ये भाई क्लॉज में क्यों नहीं है, ये पहले आपको बताया जा चुका है, क्लॉज में ऐसा क्यों नहीं, दैट इज़ प्राइस पेड टू फार्मर बाय द परचेजर, मतलब जो परचेजर है, खरीदार है, किसानों को जो प्राइस देगा एमएसपी से कम नहीं होगा, है ना, ऐसा
कोई क्लॉज, ऐसी कोई क्लॉज इसमें क्यों नहीं रखी गई, ऐसा उन्होंने बोला। जस्ट एज डिमोनेटाइजेशन जो डिमोनेटाइजेशन था, ठीक है, जो विमुद्रीकरण था, वॉज डिजास्टर, बड़ा ही खतरनाक था, इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट था सिंस 2017-18 इज़ अ कॉन्टिन्यूइंग कैटास्ट्रॉफ, मतलब बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। मतलब कहने का कि जैसा कि डिमोनेटाइजेशन बड़ा ही खतरनाक साबित हुआ, ठीक है, और उसका हम परिणाम अभी भी झेल रहे हैं, है ना। द टू फार्मर्स बिल दैट विल बिकम लॉ विल डेबिलिएट, मतलब डेबिलिटेट द इंडियन फार्मिंग कम्युनिटी, मतलब उसको कमज़ोर कर देगा, वीक कर देगा, यानी डेबिलिटेट का मतलब कमज़ोर कर देगा एग्रीकल्चर फार्मिंग कम्युनिटी यानी एग्रीकल्चर इकोनॉमी, मतलब जो कृषि इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था, उसको भी कमज़ोर कर देगा जो न्यू लॉ लेकर आ रहे हैं। दे ऑल्सो डेल्ट अ ब्लो टू स्टेट्स राइट्स, मतलब वो इस बात से भी डील कर रहे हैं कि ब्लो मतलब ख़त्म कर देंगे स्टेट्स राइट्स, जो राज्य के नियम है, सॉरी अधिकार हैं, फेडरलिज्म, मतलब जो आपका पूरा संघ वाला प्रोसेस है वो अपेरेंटली ना, द मोदी गवर्नमेंट बिलीव्स दैट इट कैन फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। मतलब अगर साफ साफ देखें ना तो कि मोदी गवर्नमेंट को लगता है इट कैन फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम, कि हर व्यक्ति को हर समय बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, इनका कहने का ये मतलब है ना। तो बेसिकली जो ये आपका पूरा है ना, आपने देखा कि जो एडिटोरियल है किससे, फूलिंग ऑल द पीपल ऑल द टाइम, है ना, काफ़ी अच्छा था, किसानों से रिलेटेड है ना। आप इसको पढ़िएगा फिर से कि पी चिदम्बरम साहब ने लिखा है ना, और मैं इसको आपके ग्रुप पर फिर से सेंड कर दूंगा, क्लियर। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, वर्ड मीनिंग नहीं है तो आप उसको नोट करिए, तो आपको काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलेगी, है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।